फर्स्ट लेडी ऑफ बंगाली सिनेमा और फर्स्ट मेलोडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब पाने वाली कानन देवी के बारे में जानेंगे। हावड़ा में जन्मी कानन देवी का अभिनय सफर महज 10 साल की उम्र में मदन थिएटर से शुरू हुआ। बाल कलाकार के तौर पर उनकी दो मुख्य फिल्में आईं। वर्ष 1929 में बतौर गायिका कानन देवी का पहला रिकॉर्डेड गाना आया, जो उनका एकमात्र ब्लैक लेबल रिकॉर्ड था। कानन देवी की लोकप्रियता राधा फिल्म्स की मां, मनमोही गर्ल्स स्कूल और कंठहार जैसी फिल्मों से बढ़ गई। 1949 के फिल्म अनन्या में कानन देवी ने बतौर प्रोड्यूसर काम किया, जिसके बाद श्रीमती पिक्चर्स के नाम से फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। वहीं साल 1976 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 को कानन देवी ने भले अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया है, पर आज भी उन्हें द फर्स्ट लेडी ऑफ बंगाली सिनेमा के नाम से याद किया जाता है। ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।